अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो ऑल गुड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस से शुरू करने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ बताना चाहती हूँ। जो है हमारे पास है अपर मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मैसेज जो हमारा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारा जाता है ब्रेन स्टेम में एंड देन जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। वो हमारे पास क्या अपर मोटर न्यूरॉन जहाँ तक जा रहा है एंड लोअर मोटर न्यूरॉन होता है स्टार्ट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड कुछ कुछ पार्ट आपको दिखाया, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है और एंटर होता है इनर वेट होती है नर्व्स हमारे पास पेरिफेरल मसल्स में। लाइक यहाँ से हमारे पास मैसेज आ रहा है, देन हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करता है। लेकिन जो मेन मैसेज है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमें आ रहा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से देन ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड में, देन हमारे मसल तक जा रहे होते हैं पेरिफेरल मसल्स तक, तब हमारे हैंड्स या फिर लेग्स वगैरह मूव करती हैं। ठीक है, इसके करेक्टराइज बाय द डीजनरेशन। हमारे पास अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है कि इसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है मोटर न्यूरॉन्स की इन कॉर्टेक्स ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो इनके न्यूरॉन्स हैं इनमें इनके क्या होगी मोटर न्यूरॉन्स के लॉस हो जाएगा और डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास आगे मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊँगी। डीजनरेशन आपको समझ आएगी, जब यहाँ पर डीजनरेशन हो गई या यहाँ पर डीजनरेशन हो गया तो हमारा आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मसल में जो वर्किंग होनी है वो नहीं हो सकेगी अगर इनमें से किसी पे भी डिफेक्ट आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस इज अ नर्वस सिस्टम डिजीज। ये एक नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ब्रेन से ही आ रही है ना। दैट अटैक नर्व सेल पे अटैक करती है कॉल्ड द न्यूरॉन, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया, इसका फंक्शन क्या, हमारे पास न्यूरॉन्स का फंक्शन, दिस न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर वोलेंट्री मसल्स। वोलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये न्यूरॉन जो है मैसेज लेके आ रही होती है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से के वोलेंट्री मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो, देन हमारे क्या होते हैं कंट्रोल हो रहे होते हैं आर्म्स या फिर लेग्स। इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या होती हैं, अगर हमारे नर्व या फिर न्यूरॉन्स वगैरह इसमें डीजनरेशन हो जाए या लॉस हो जाए मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इसमें सिम्टम्स हमारे पास कॉज द माइंड मसल वीकनेस आएगी। सम पीपल नोटिस द ट्रबल वॉकिंग, जाहिर सी बात है मसल वर्किंग नहीं सही करे तो वॉकिंग में मसला आएगा, रनिंग में मसला आएगा, राइटिंग में मसला आएगा, स्पीच प्रॉब्लम्स आएंगे। मसल्स हमारे फेस पे भी तो होते हैं तो स्पीच प्रॉब्लम्स भी आएगी। इवेंटली यू लॉस योर स्ट्रेंथ एंड कैन नॉट मूव, स्ट्रेंथ लूज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम एंड मूव भी नहीं कर पाएंगे। व्हेन मसल्स इन योर चेस्ट फेल्स, अगर चेस्ट के मसल्स फेल हो गए यू कैन नॉट ब्रीथ, द ब्रीथिंग मशीन कैन हेल्प बट मोस्ट पीपल्स विद ALS डाई फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। बिकॉज यही चीज़ बताई गई है कि अगर चेस्ट मसल्स फेल हो जाएंगे तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की कभी भी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि पेशेंट्स को हम ब्रीथिंग मशीन्स भी लगाते हैं बट वो सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुके हैं। तब मसल्स की बहुत ज़्यादा हमारी मेन वर्किंग ही मसल्स की है, ठीक है। एज अगर मैं बताऊँ तो डिजीज जो है ना बेसिकली अफेक्ट करती है 40 से 60 ईयर के एज में, और ये जो है ना मोर मैन देन वुमेन गेट इन, मैंस में ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। कॉज इसका हमारे पास नो नॉन कॉज विद अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का कोई कॉज नहीं, पर ये जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया गया है, इट कैन रन इन फैमिलीज़ में रन भी करता है बट यूजली इट स्ट्राइक एट रैंडमली भी हो सकता है। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसकी देयर इज नो क्योर, इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। मेडिसिन के रिलीफ सिम्टम्स, समटाइम प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, मेडिसिन हम देते हैं जो कि सिम्टम्स को रिलीफ तो करती हैं और प्रोलॉन्ग सर्वाइवल हो जाता है, बट इसकी कोई एज सच मेडिकेशन नहीं है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।